Zombie Apocalypse. हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल रैंडम व्यूज़ में। आज का वीडियो इस बारे में है कि हम विंडोज़ 10 में डिफ़ॉल्ट ऐप्स को कैसे चेंज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके दो मेथड्स हैं, मैं दोनों आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको करना ये है कि चेंज करने के लिए आपको जाना पड़ेगा स्टार्ट मेनू, उसके बाद हमको जाना है सेटिंग में। तो हम स्टार्ट मेनू में मैंने क्लिक किया, उसके बाद मैं गया सेटिंग में, और उसके बाद मुझे जाना ऐप्स। ऐप्स में जाने के बाद मुझे देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में एक डिफ़ॉल्ट ऐप्स के टैब है, उसमें क्लिक करेंगे और आप डिफ़ॉल्ट ऐप्स में पहुंच जाएंगे। अगर आपको दूसरा मेथड चाहिए इजीली पहुंचना, तो सर्च में क्लिक करेंगे और टाइप इन करेंगे डिफ़ॉल्ट ऐप्स, उससे आपका डायरेक्टली ये डिफ़ॉल्ट ऐप्स में खुल जाएगा टैब, और आप यहां से डायरेक्टली चेंज कर सकते हैं आपके विंडोज़ 10 के डिफ़ॉल्ट ऐप्स को। अब आपको जो ऐप चेंज करना है उस पर हम क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जिस ऐप से हमें रिप्लेस करना है उस ऐप को चूज़ करेंगे, और उसके बाद हमें करना है कि ओके, कन्फर्म हो जाएगा डायरेक्टली। अगर आपसे कुछ पूछा जाता है कि स्विच इट ट्राई करने के लिए बोला जाता, तो आप अगर उसको चाहें तो स्विच इट एनीवे कर देंगे और वो डिफ़ॉल्ट ऐप चेंज हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एज ज़्यादातर ये पूछता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा छोटा सा वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।